यास तूफान अब किसी भी वक्त ओडिशा के बालासोर के पास 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ चोट कर सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों तक तूफान पहुंच चुका है और पूरे इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पानी में पूरा का पूरा वाहन आपको डूबा हुआ दिखाई दे रहा है और ये कई ऐसे इलाकों से तस्वीरें मिल रही हैं जहां बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर जमीन पर आ गिरे हैं, तो उन्हें हटाए जाने का काम भी जारी है ताकि रास्ते पे ट्रैफिक ना रुके। लोगों को शिफ्ट किया गया है तटीय इलाकों से ऊंचाई की तरफ सुरक्षित स्थानों पर कैंप्स लगाकर। और ये जो पानी आप इन तस्वीरों में एकत्रित देख रहे हैं, ये सारा पानी बारिश का नहीं है बल्कि समंदर का पानी है जो रिहायशी इलाकों की तरफ घुस आया है। दुकानों में दूर दूर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको दिखाई देगा कि समंदर ने कैसे अपनी परिधि बढ़ा ली है और रिहायशी इलाकों तक को अपनी जद में ले लिया है। वो पानी वहां तक जा पहुंचा है। बालासोर में इस वक्त हमारे संवाददाता कवलजीत हैं और कवलजीत लगातार आपको तूफान के बीच रिपोर्टिंग करके दिखा रही हैं कि वहां पर किस तरह की चुनौतियां इस वक्त हैं और कितने हालात बिगड़ रहे हैं। कवल, वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है जब लैंडफॉल होगा, अभी क्या तस्वीर आप वहां देख रही हैं? इस चक्रवात में फंसा हुआ है और आपको बता दें यास ने दस्तक दे दी है अपने, और पीछे जो आप देख सक रहे हैं वो बांस का ही दस्तक है और काफी तेज हवाएं चल रही है। काफी जो पेड़ है वो इस वक्त स्वे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सामने आपको बता दें जो बारिश है वो बीच बीच में होती जा रही है, आपको काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं। जी कवल, हमें लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इस बीच आपको ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त हवाओं का जोर इस वक्त दिखाई देता है। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस दौरान चलेंगी, हालांकि ये अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती हैं। लेकिन दीघा में तस्वीरें देखिए जहां समंदर का पानी घरों में दुकानों में जा घुसा है, वहां पर आर्मी और सिविल डिफेंस की टीम जमीन पर इस वक्त मौजूद है जो लोगों को हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। और इस वक्त प्राथमिकता यही कि पहले जो लोग निचले इलाकों में हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहे, लेकिन उससे बड़ी चुनौती कोविड काल की है और ऐसे में जमीन पर जो हालात है वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कहीं पर आपको समंदर के पानी में डूबे हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है, तो बिजली के खंभों को जबरदस्त नुकसान इतनी तेज हवाओं की वजह से, और लहरें जिस तरह से उफान मार रही हैं इस वक्त, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी खौफ से भर गया। हालांकि इससे पहले जब बीते साल अम्फान तूफान आया था तो वो सुपर साइक्लोन था। ये सुपर साइक्लोन को जब कैटेगरी में बांटा गया तो फिफ्थ कैटेगरी का उसे माना गया, पांचवे नंबर पर उसे रखा गया। उसके अगर उससे तुलना करें तो यास तूफान सेवेंथ कैटेगरी का तूफान है, यानी अम्फान से इसकी इंटेंसिटी, इसकी भयावहता कम है। लेकिन उसके बावजूद जमीन पर जो हालात है वो इशारा यही कर रहे हैं कि अभी आने वाले दो दिन यानी आज का दिन कल का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।